जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर श्रेणी में स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSC GD भर्ती 2024 को लेकर रहने वाला है। आप सबको बता दूं पीछे मेरे जो नोटिस देख रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और आप सबको पता है कि रिजल्ट आपका डिले हो रहा है। कल ही मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें ये बताया था कि ITBP की तरफ से कर्मचारी चयन आयोग को ये सूचना मिली थी, उस नोटिस के माध्यम से जो बताया गया था कि भाई आप डिक्लेयर कर सकते हो, हमारी तरफ से पूरी की पूरी तैयारी है कि हम SSC GD का फिजिकल करा सकते हैं। वो नोटिस भी मैंने आपके साथ में साझा किया था, आप सबने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो कमांडो अकेडमी जो टेलीग्राम ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, SSC GD से संबंधित आपको सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। अभी जो मेरे पीछे आप नोटिस देख रहे हो ये उन बच्चों को एक चीज और बता देता हूँ, इस नोटिस के कई मायने हैं। ये नोटिस आपके लिए काफी फायदेमंद भी होने वाला है क्योंकि आप सबको पता है SSC GD की जितनी वैकेंसी आई थी उसके बाद में पोस्ट इंक्रीज कर दी गई लगभग 20,000 पद, ठीक है। अभी वैकेंसी लगभग 46,000 पदों की। और एक चीज आप यहां से नोटिस कर लेना, जितने दिन आपका रिजल्ट डिले हो रहा है पूरी पूरी उम्मीद है कि पोस्ट और इंक्रीज हो सकती है। जब भी रिजल्ट डिले हुआ आज तक SSC GD में तो पोस्ट के बाद में इंक्रीज हुई है, तो मान के चलिए हो सकता है आपकी फिजिकल के पहले पोस्ट इंक्रीज ना हो, फाइनल मेरिट से पहले हो जाए, लेकिन इस वैकेंसी में और भी अभी ज्यादा चांस है कि पोस्ट और इंक्रीज होगी। और जो क्या डिलेपन चल रहा ना इससे तो पूरा क्लियर हो जाता है कि पोस्ट और बढ़ने की संभावना है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये आप नोटिस देख रहे हैं, भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग SSC की तरफ से ये नोटिस है। क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखना भाई, प्लीज रेफर दिस ऑफिशियल लेटर, इंक्वायरी नंबर यहां पर लिखा हुआ है इसका, डेटेड 25/6 को ये नोटिस जारी हुआ है, ध्यान रखना। फॉर लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनल वैकेंसी पेंडिंग इन ऑल फोर्सेस, कहने का मतलब सभी फोर्स में अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी पोस्ट पर वैकेंसी मतलब खाली है या पेंडिंग है, यह जानकारी ली गई है CAPF से पॉसिबल। यानी कर्मचारी चयन आयोग ने सभी पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी CAPF से जानकारी मांगी है कि आपके डिपार्टमेंट में इस समय कितनी पोस्ट और वैकेंसी पेंडिंग है जिन पर आप चाहते हैं कि इनकी नियुक्तियां हो जाए। और यह लेटर जारी किया गया कि आप जल्दी से जल्दी कर्मचारी चयन आयोग को यह सूचना पहुंचाए। इससे क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट जो पैरामिलिट्री फोर्स के जितने भी CAPF के डिपार्टमेंट, BSF, CRPF, CSF सब अपनी अपनी जो वैकेंसियां प्रेजेंट टाइम में जो खाली चल रही है उसकी सूचना जारी करेगा कर्मचारी चयन आयोग को, और उस आधार पर यह उम्मीद है कि इस बार आपकी पोस्ट बढ़ सकती है और रिजल्ट भी आपका डिले चल रहा है। तो यह नोटिस 25/6 का है और ओरिजिनल नोटिस है, ठीक है, कोई फेक नोटिस नहीं है, पूरा ओरिजिनल नोटिस है, ओरिजिनल डिपार्टमेंट का नोटिस है। यानी CAPF से जानकारी मांगी गई है कि कितने पदों पर आप और भर्तियां आपको चाहिए, आपकी नियुक्तियां चाहिए, और CAPF जो SSC हो चाहता है कि इस भर्ती में कई पद नियुक्त हो जाए। मैं आपको बता दूं वैसे आपने देखा होगा पहले 1,29,000 को CRPF में पोस्टें खाली थी, ऐसा नहीं है कि सभी पदों को एक साथ फिल कर दिया जाएगा या अगली वैकेंसी से प्रभावित होगी, बिल्कुल नहीं होगा। उनसे सिर्फ पदों की डिटेल मांगी गई है, उसमें से कितना परसेंट पद फिल करते हैं ये कर्मचारी चयन आयोग पे डिपेंड करता है, ये भारत सरकार पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस हिसाब से रिजल्ट डिले चल रहा है मुझे लगता है कि और पद बढ़ने की पूरी संभावना हो गई है। तो जिन भी बच्चों के अच्छे नंबर है फिजिकली तैयारी कर लेना, भले आपके 1 नंबर 2 नंबर भी ज्यादा क्यों ना हो कट ऑफ से, अब तैयारी में लग जाना, पूरे चांसेस है कि ये भर्ती 60,000 प्लस तक जाएगी, पूरे चांसेस है, और अगली वैकेंसी भी अच्छे पदों पर आएगी, दोनों चीजें बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है लाडो। जय हिंद जय भारत।